तो मन को खूब रगड़ रगड़ के साफ करके चमका देंगी। और पसंद क्या नहीं है? बोले मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ये मुल्क को पसंद नहीं है। तो छल कपट आदि जितने भी गंदगी होगी भवन के बाहर, माताएं भवन को सजाना संवारना जानती हैं। जिस घर में स्त्री नहीं होती वो घर में घुसते ही पता चल जाता है, जाले लग रहे हैं, तमाम उल्टा सीधा सब सामान पड़ा हुआ है, समझ लो कुशल गृहिणी इस घर में अभी नहीं है, है? बिना बहू का बिना गृहिणी का घर शोभा नहीं देता। न ग्रहम ग्रह मित्याहो गृहिणी ग्रह मुच्यते, घर को घर नहीं कहा जाता, घरवाली को घर कहा जाता है भाई। तो प्रिया जू जब अपने प्रियतम के अनुकूल भवन को सुसज्जित कर देती हैं और सब गंदगी बाहर फेंक देती हैं, तो गोविंद जब देखते हैं तो अपने को रोक नहीं पाते, कभी कथा के माध्यम से कान की खिड़की से कूद करके भीतर घुस जाते हैं, कभी सुंदर बांकी झांकी निहारने वाले रसिक के नेत्रों की झांकी खिड़की से कूद करके भीतर घुस जाते हैं। बहाना कोई भी मिले, पर किसी न किसी माध्यम से ये चित चोर चित्त में चिपक करके भवन के भीतर अपना कब्जा करके बैठ जाते हैं। और ये टेढ़ी टांग वाले इतने खतरनाक है कि एक बार घुस पाए तो फिर जल्दी निकालना किसी के बस की बात नहीं। ऐसे गड़ के अड़ के जम के आसन जमाते हैं कि आप चाह करके भी उन्हें फिर बाहर निकाल नहीं सकते। बोलो राधे 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 राधे। एक बार एक ब्रज की गोपी यमुना के तट पर ध्यान मग्न बैठी, देवर्षि नारद वहां से निकले तो ध्यान मग्न गोपी को देखकर आश्चर्य हुआ और उसके सामने आके खड़े हो गए। थोड़ी देर में नेत्र खोले ब्रज गोपी ने, नारद जी को देखती दंडवत किया, महाराज जी दंडवत आप कब पधारे? नारद जी बोले हमारी छोड़ो, हम तो घूमते ही रहते हैं, पर तुम आंख बंद करके क्या कर रही थी, किसका ध्यान लगा रही थी? बोली भाली ब्रज गोपी बोली महाराज मैं का जानू ध्यान व्यान का होए, मैं कछु काऊ को ध्यान ना कर रही तो फिर आंख बंद करके कर क्या रही थी? बोले महाराज मैं आपत की मारी हूं, अपनी समस्या को समाधान ढूंढ रही थी, बड़ी समस्या है। अरे ऐसी कहा समस्या है हमें बताओ? बोले महाराज सबसे बड़ी समस्या ये टेढ़ी टांग वालों जसोदा को लाला है, या के मारे नाक में दम है हमारे। कहा कर दियो? माने कौन सी समस्या पैदा कर दी? अरे महाराज समस्या बहुत लंबी चौड़ी है, आप पे समय होए तो मैंने विस्तार से बताऊं। नारद जी बोले नहीं वैसे तो हम चलते फिरते राम जी हैं, परंतु जो भी समस्या हो सार रूप में सुना दो। तो सुनो महाराज आगे पीछे की अब छोड़ो, आज की यही सुन लो आप। आज मैं सवेरे सवेरे जगी, मेरी सास बोली बहू जा जल्दी से गैया दोहला, मैंने दोहनी उठाई गैया दोहे चली आई, और जैसी मैं गैया दोहे लगी कि नंदो को छोरा मेरे बगल में आके खड़ो है गयो और बड़े प्यारी मुस्कान से तिरछी चितवन चला के बोलो अरे भाभी अब सबरोई दूध दोहलेगी का, सवेरे से मैं भी भूखो डोल रहा हूं, ने ताजी ताजी दूध की धारा मोइये पे बाय दे। मैं बोली अरे लाला तू भूखो है, चल मुंह खोल के बैठ, धारोष न दुग्ध पिबाऊंगी। बस नंदो को छोरा बगल में आके मुंह फाड़ के बैठ गयो। तो मैंने बाको मुखार में निहारते निहारते धीरे धीरे गैया के दूध की धारा बाके मोहड़े में धोनी चालू कर दी। मैं धोती गई वो घटाघट पी तो गयो, मुझको बड़ो आनंद आयो। और इतने में मेरी सास आधम की चिल्ला करके पड़ी मुंह पे, हे बाबरी भांग पी के डोले सत्यानाश कर दियो सबरे दूध को। मैं घबराई गई एकदम, का भयो? चिल्ला के पड़ी भांग पी रखी है, मती मारी गई है, सामने बर्तन रखवा बगल में दूध दो रही है। तब मैंने ध्यान से देखो वहां कोई नंद को छोरा ना है, सबरो दूध धरती में पड़ो भयो है। मैंने माथो ठोको, हे भगवान मैंने तो नंद के छोरा को पिवायो, धरती में कैसे गिर गयो? बाद में मेरी समझ में बात आई वहां कोई नंद को छोरा ना है, ये मेरे चित्त को चित चोर है जो चिपको रहे मेरे चित्त में, जब भी मैं वाको स्मरण करूं चिंतन करूं उसी मेरे चित्त में से निकल के सामने खड़ो है जाए। वास्तव में कन्हैया कोई ना है, ये कन्हैया की कल्पना मात्र से सवरो दूध मेरो बर्बाद है। मेरी सास ने 50 नगारी दी। अंत में चिल्ला के बोली अब आंखें फाड़ के मेरे मुंह मत देख, जल्दी से धान कूट ले, मुको आज भात बनाना है। मैं भाग के आई मूसल लेके धान कूट में लग गई,
सोई थोड़ी देर में फिर आ गए नंद को छोरा। अरे भाभी सास ने कछु ज्यादा सुनाई दी का, कैसे मोह लटकाए खड़ी है। मैं बोली ना है, हम तो सास बहू में चलती रहे, तू बता कैसे आयो। और भगवान जाने मैं बातें कहा का बड़बड़ाती रही, होश तो तब आयो जब सास चिल्ला के पड़ी, हे बाबरी कौन से बड़बड़ाई रही है। तब मेरा ध्यान भंग भयो, देखे तो वहां कोई नंदो को छोरा ना, मैं तो अपने आप से ही बात कर रही। मेरी सास ने फिर 50 गारी दी और चिल्ला के बोली, अब जल्दी से जा, जमुना जल भरला, पानी की बूंद ना पीवे को घर में। मैंने मटकिया बगल में लटकाई, दौड़ लगाई, जमुना तट पर आई, मटकिया तो मैंने भर ली, परंतु पानी भर के मटका इतने ज्यादा भारी है गयो, मुंह पे उठाते ना बनो। इतने में नंद को छोरा आ गयो। अरे भाभी मैं ऊंचाई दऊं का। मैं बोली हाँ लाला, बड़े मौके पर आयो, ने सहारो लगाए दे। आनंद के छोरा ने हाथ लगायो, मैंने भी मटका उठाया और उठाते ही दम गिर के फूट गयो। जैसी मटका फूटो महाराज, सबरो पानी तो फैल गयो और मटका भी जैसी आराम है गयो। अब मैं घर में जाऊंगी तो 50 गारी फिर मुकू सास की सुननी पड़ेगी। और यही क्रम चलतो रहो महाराज, तो वो दिना दूर ना है कि सास मुकू घर से ही निकाल देगी। ये तो बिल्कुल पागल है गई है, यहाँ पे घर के काम कछु होवे ना है, भगाओ या तो। महाराज मेरी तो घर गृहस्थी बसी बसाई सब चौपट होवे बारी है। सो मैंने सोची या कन्हैया से कैसे पिंडे छोड़ाऊं। सो मैं आंख बंद करके अभ्यास कर रही थी महाराज कि ये नंद को छोरा मेरे जो चित्त में चिपको बैठो है, ये निकल जाए तो मेरो घर बस जाए और मेरो घर में मन लग जाए, नहीं तो या के चक्कर में बसी बसाई गृहस्थी सब चौपट होवे वारी है मेरी महाराज। मैंने बहुत तेरी कोशिश कर ली, खूब आंख बंद करके देख ली, पर मुंह पे तो महाराज ये निकरे ही ना है। अब आप कछु तंत्र मंत्र जानते हो तो बता दो महाराज, आप तो बड़े विद्वान हो, दुनिया में डोलो, आपको बड़ो नाम सुन रखो है। मैंने मुंह ये कछु मंत्र बता दो कि ये निकर जाए महाराज। नारद जी तो माथा पकड़ के बैठ गए, मन में सोचने लगे, हे भगवान प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन मनोधित्सति। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनीन्द्र संत सन्यासी ज्ञानी ध्यानी सब घर परिवार छोड़ करके शरीर में राख लगा करके और नाक बंद करके आंख बंद करके जंगल में जा करके कितना दिन रात प्रयास कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं कि एक झलक मिल जाए। अब जिस संत के अंतःकरण में प्रभु के पाद पद्मों की नख चंद्रिका का प्रकाश भी प्रकट हो जाता है तो वो नाचने लगता है आनंद में कि मुझे एक झलक आज देखने को प्रभु की प्राप्त हुई। पर धन्य है ये ब्रज की वनिता जो उस परमात्मा को हृदय से निकालने के लिए ध्यान लगा रही है, और धन्य है वो बंसी वाले जो ऐसे अड़के इसके चित्त में चिपक गए हैं, जो भगाने पर भी भाग नहीं रहे, निकालने पर भी निकल नहीं रहे। मुग्धे यम केल पश्य तस्य हृदयात निष्क्रांति मा कांक्षति। नारद जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। तात्पर्य है ये बंसी वाले जल्दी किसी के चित्त में चिपकते नहीं, और यदि इनको आंगन पसंद आ गया और ये तुम्हारे घर में घुस गए तो ऐसे अड़के गड़के चिपक के बैठेंगे कि आप भी स्वयं चाहो तो निकालने की आप में भी सामर्थ्य नहीं है। विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात हरि। साक्षात हरि यस्य हृदयम न विसृजति। ठाकुर जी ही उसके हृदय को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए विल मंगलदास जी महाराज की आंखें तो नहीं थी, कन्हैया ने रास्ता दिखा दिया और गोविंद का हाथ पकड़ के विल मंगल जी जान गए मेरे गोपाल हैं जो रास्ता दिखाने जंगल में आए हैं। भगवान बोले, हे बाबा मेरो हाथ छोड़ दे, तेरो रास्ता मिल गया और सीधो जा वृंदावन, मेरी गैया भाग रही हैं। बोले, प्रभु मैंने पहचान लिया और अच्छी तरह पकड़ लिया, आप मेरे ही गोपाल जी हो। बाबा पकड़ के रह गए तो एक झटका मारा, छीन करके हाथ भाग गए। तो बिल्लु मंगलदास जी महाराज ने भी चुनौती दे दी, हाथ छोड़ाए जात हो और निबल जान के मोहे, पर हृदय से जब जाओगे तो सवल कहोगे तो हृदयात निष्क्रांति
पौरुषं गणयामि ते। इसी विश्वास के बल पर भक्त भगवान को चुनौती देता है कि प्रभु हिम्मत है तो मेरे हृदय भवन से भाग करके दिखाओ जहां मैंने तुम्हें कैद कर रखा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे सत्य कहता हूं, नान्यास प्रहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा, कामादि दोष रहितम गुरु मान संजय। हे रघुपुंगव, हे रघुनंदन, मैं आपसे बिल्कुल सत्य कहता हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सत्यम बदामि, और विश्वास न हो तो भगवान अखिलांतर आत्मा, आप स्वयं सबके अंतर्यामी हो, मैं हृदय से ये बात कह रहा हूं कि ऊपरे मन से कह रहा हूं, आप मेरे हृदय में तनिक झांक करके ठीक से देख लो। सत्यम बदामि च भगवान अखिलांतर आत्मा, सर्वांतर्यामी प्रभु से कौन झूठ बोल सकता है, बस एक ही चीज चाहता हूं और वो आपके चरण कमलों की भक्ति, भक्तिम प्रयक्ष, हे रघुपुंगव अपने चरणों की निर्भरा भक्ति मुझे प्रदान कर दो, क्योंकि भक्ति मेरे हृदय भवन में रहेंगी तो आपके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आप अपने आप ही अपना धाम छोड़ के मेरे भवन में जबरदस्ती घुसने का प्रयास करोगे, इसलिए आप अपने श्री चरण कमलों की भक्ति प्रदान कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति माता जी आएंगी तो मेरे भवन में ये जितनी गंदगी है कामादि दोष रहितम गुरुमान समच, जो आपको पसंद नहीं है ये कामादि जितने दोष विकार मेरे हृदय में हैं, आपकी प्रिया जी पधारेंगी तो अपने आप सबको साफ करके भगा देंगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण रिक्त हो जाएगा, तो आप अपने को रोक ही नहीं पाएंगे, अपने आप ही बिन बुलाए भागे चले आएंगे, इसलिए सरकार अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो। इसी भावना के साथ हम भी श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करें, हे तीर्थराज प्रयाग, ऐसी हम पर कृपा करो कि प्रभु के पाद पद्मों की वह पराभक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, गंगा स्नान और यमुना स्नान से तो हमारा शरीर शुद्ध हो पर इस भागवत की रस धारा का पान करके भक्ति हृदय में प्रकट हो, ताकि प्रियतम प्रभु उनके अपने आप हमारे हृदय में आकर के अपना आसन जमा लें। इसी भावना के साथ आदवाणी को विराम, कल समय अनुसार जैसा मार्गदर्शन मिलेगा, जैसा समय मिलेगा तद अनुसार वाणी से सेवा होगी। आइए मिलके भगवान नाम स्मरण करके हम इस सत्र को संपन्न करते हैं। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्री लाडली लाल जय हो। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे, हो राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। हो
गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, 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 ओ गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, बालों के मुख से आवाज आवे राधे, बालों के मुख से आवाज आवे राधे, ओ श्यामा नहीं, दोनों हाथ उठा के सभी भक्त दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाए, श्यामा को नाम बोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम बोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम बोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम बोल बोलो राधे राधे, जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, प्रयागराज में राधे राधे, प्रयागराज में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, राधे 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 लाडली लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री संत भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय, उमा पति महादेव की, तीर्थ राज प्रयाग की जय, जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। आज वास्तव में हम लोग अपने आप को बड़े भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, जो श्रीधाम वृंदावन से चलकर के पधारे हुए अनंत श्री विभूषित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज के सानिध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुधा का पान करने का सदैव सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी तो हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग हरिद्वार के ही पावन धरा पर माँ गंगा के तट पर बैठे हैं और सनत कुमार स्वयं आकर के हम लोग को भागवत की कथा सुना रहे हैं। बड़ी सुंदर आनंद आया। तो
तो बता दूं कल महाराजा श्री केसरी मुख से ठीक दोपहर 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोग महाराजा श्री केसरी मुख से कल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। और अभी आरती के बाद आप घबराएंगे नहीं, अभी पुष्कर पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज के श्री मुख से हम लोग आशीर्वचन श्रवण करेंगे। तत्पश्चात जियर स्वामी जी महाराज का भी दर्शन आशीर्वचन हम लोग प्राप्त करेंगे। आइए आरती का दर्शन करें। हरि ओम ज्वालामालिनी नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातसक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। आदित्यति पावन पुराण आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मंत्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम् जजनेन जज्ञमय दन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जात कर बीट रसाल पुष्पै बिलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च